मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही करें बेल आइकन प्रेस ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और क्वारंटाइन डे अच्छे से जो है इंजॉय कर रहे होंगे, बजाय इसके कि आप लोग परेशान हो रहे होंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और एहतियाती तदाबीर करते रहिए और घरों से बाहर ना निकलिए। स्टे होम, स्टे सेफ योर लाइफ। तो ये जी दुआ लाई है पेस्ट्री और साथ मिलाई है ये डेरी मिल्क। ये चले मम्मा एंजॉय करते हैं। पेस्ट्री लाई है, दुआ भी हेलो करते हैं। दुआ का आज एक और टिक टूट गया, दुआ दिखाएं। अब आपने दादा खुद ही खींच लिया टिश्यू से, वो बिल्कुल हिल रहा था ना। चले हेलो और नया नया दे देगा अच्छे वाला दांत, ठीक है। मुझे भी टेस्ट कराएं कि कैसे। यम यम चलें जी, दुआ आपसे करती है पेस्ट्री खा के बाद इंशाल्लाह। बाय बाय। दुआ ने माशाल्लाह पेस्ट्री फिनिश कर ली है और अब दुआ खाएगी डेरी मिल्क चॉकलेट। तो ये अपनी चॉकलेट एंजॉय करती है। ओके जी, गुड नाइट, और इस व्लॉग को सुबह कंटिन्यू करते हैं। बाय। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और मॉर्निंग टी मैंने पी ली थी और अब करते हैं घर के काम स्टार्ट। और हम कर रहे थे काम और किचन में हांडी बना रही हैं अम्मी, दाल और चिकन का सालन। तो अम्मी हांडी बना रही हैं और हम लोग जल्दी से कर लेते हैं घर के काम फिनिश। तो चलिए जी जल्दी से करते हैं घर की सफाई स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, काम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं आजकल। बस जी, जब तक छुट्टियां हैं तब तक तो ऐसा चलेगा, फिर रूटीन बन जाएगी इंशाल्लाह। तो जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेती हूं और बेड के नीचे मैं आपको दिखाती हूं दुआ के कमालात। और ये देखिए जी, दुआ जो भी बलून लाती है वो फुला के नीचे घुसा देती है और फिर जब इसको टाइम मिलता है तो ये निकाल के खेलती है और बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देती इन बैलून्स को। तो बस बच्चे तो फिर ऐसे ही होते हैं। तो जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से।
छोटा छोटा कचरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसको झाड़ू से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैंने डस्टिंग करनी है, पोछा लगाना है। तो जल्दी से झाड़ू का काम करते हैं ख़त्म। अब मैं पोछा मार लूँगी और इसमें मैंने डाला है कारपेट क्लीनर, गर्म पानी और साथ में फिनाइल, क्योंकि फिनाइल से जितने भी जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं और अच्छी खुशबू आ जाती है रूम में। तो अब मैं कर रही हूँ रूम की डस्टिंग। जल्दी से मैं डस्टिंग कर लेती हूँ और फिर मुझे बाहर से भी अच्छे से साफ़ करना है। रूम अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने और अब चलती हूँ बाहर की तरफ और करती हूँ बाहर से सारी सफाई। तो अब मैं आ गई हूँ टीवी लॉन्च में। तो जल्दी से टीवी लॉन्च की सारी चीज़ें समेट के और वैक्यूम लगा लूँगी। तो जल्दी से साफ कर लेते हैं टीवी लॉन्च भी। इर्तज़ा और दुआ दोनों कार्टून देख रहे हैं कंप्यूटर पे और ये ट्विंस खेल रहे हैं और इसको गंजा मैंने किया है क्योंकि तमाम सैलॉन्स बंद हैं। तो इसको फिर हमने खुद मिलके गंजा किया है और ये है अरीशा। तो ये जी टीवी लॉन्च भी अच्छी तरह से साफ हो गया है। तो घर साफ़ करने के बाद अब आ जाती है अपनी बारी। जल्दी से अपना ड्रेस प्रेस करके ख़ुद रेडी हो जाती हूँ क्योंकि फिर पढ़नी है मैंने नमाज़। तो ड्रेस मैंने प्रेस कर लिया है और जल्दी से रेडी हो के फिर मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़। तो ये जी अब मैं अपनी नमाज़ अदा कर रही हूँ और अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं करूँगी कि अल्लाह पाक इस बीमारी को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दे और हमारे बच्चे फिर से स्कूल में जाने लग जाएं और उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए इंशाल्लाह ताला। इस मौलिक बीमारी से बचने के लिए मैं आपको एक दुआ बताती हूँ, आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करें और अपने ऊपर दम किया करें। तो मैं आपको दुआ बताती हूँ, अल्लाहुम्मा फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा फ़ी समाई, अल्लाहुम्मा फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। सुबह और शाम ये दुआ आप लोग ज़रूर पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें।
और या माजिदो 10 बार पढ़ के पानी पे दम करके, और वो पानी भी आप लोग ज़रूर ख़ुद भी पिया करें और घर वालों को भी पिलाया करें। और खाना खाने के बाद अब मैं पी रही थी लिप्टन की लेमन वाली ग्रीन टी, तो ये मैं इंजॉय करती हूँ। और फिर पता है क्या हुआ, गली में आ गया ढोल वाला, और मेरे भतीजे को डांस करने का बहुत शौक़ है, तो ये गली में डांस कर रहे हैं बच्चे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।